ये जो हमने ऊपर कपड़ा लगाना है ये हमारे पास कम था तो इसको हमने जोड़ लगा लिया है। अब हम इसकी साइड पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से ताकि इसका धागा ना निकले। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब हमने ये जो हमारा दरमियान में पीस आएगा यानी तकिए का दूसरा पार्ट, एक हमारा सबसे बड़ा पीस है, एक दरमियाना पीस है और एक जो आगे लगेगा एक वो है, हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम ये जो हमारा दरमियाना पीस है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हमने अपना सबसे बड़ा पीस इस तरह से बिछा लेना है। ये इसकी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। इसके ऊपर हमने जो दरमियाना पीस है उसको यहाँ से हमने सिलाई कर ली है, उसको बिछा लेना है और बराबर कर लेना है। बराबर करके इन दोनों के दरमियान में हमने ये सबसे छोटा पीस रखना है। इसको भी बराबर कर लेने के बाद हमने चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये जो दरमियाना पीस है इसको ऊपर रखना है और ये छोटा जो पीस है जो ऊपर हम कपड़ा लगा रहे हैं उसको हमने दरमियान में रखना है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये हमारी दोनों कपड़ों की सीधी साइड्स हैं और इसकी भी हमने सीधी साइड रखनी है अंदर की तरफ। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
तकिया रेडी हो गया है, ये इसका ऊपर का कपड़ा है और ये अंदर का कपड़ा है। इस पे हम थोड़ा सा इस्त्री फेर लेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये इसकी ओपनिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।